वेलकम टू नाज़रीन सामेईन इकराम, माय रिस्पेक्टफुल लिसनर्स एंड व्यूअर्स, होप यू आर विल बी फाइन विद ब्लेसिंग ऑफ गॉड। आज का हमारा टॉपिक रिफंड ऑफ फीस ऑन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट अंडर सेक्शन 14 कोर्ट फीस एक्ट। तो उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्यू करें, शेयर भी करें, अपने कमेंट्स आरा से मुझे आगाह करें। ये एक तालीमी आगाही प्रोग्राम है, लिटरेसी अवेयरनेस रिगार्डिंग रिलेटेड टू लॉ, कानून के मुतालिक, फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स इन पाकिस्तान। तो नाज़रीन इकराम, मेरे दोस्त अहबाब से आप लोगों तक ये फ़ायदेमंद मालूमात पहुँचा रहा हूँ। गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए एक काबिल साद एहतराम है और बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं भी आप लोगों तक एक बड़े ही जामे और मुख्तसर अंदाज में 5-10 मिनट की वीडियो में आप तक अहम मालूमात, जो इंफॉर्मेशन है कानून के मुतालिक, पहुँचाने की कोशिश करता हूँ इस यूट्यूब चैनल के तवसत से। मेरा यूट्यूब चैनल आबद एडवोकेट हाई कोर्ट ऑन यूट्यूब है, इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें। तो आइए नाज़रीन, कोर्ट फीस एक्ट के तहत दफ़ा 14 सेक्शन 14 हमारी क्या रहनुमाई करता है। जब एक दरख्वास्त हम देते हैं जो फ़ैसला हो चुका है उसकी नज़रसानी के लिए, तो उस पर जो स्टैम्प फीस, कोर्ट फीस वगैरह लगती है, उसकी रिफ़ंड के लिए क्या तरीक़ाकार और रहनुमाई हमारे लिए ये कानून कोर्ट फीस एक्ट मुहैया करता है। तो इसके मुताबिक वेयर एन एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू ऑफ जजमेंट इज प्रेजेंटेड ऑन आर आफ्टर द 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिग्री, द कोर्ट मस्ट, अनलेस द डिले वाज कॉज्ड बाय द एप्लीकेंट लैशेस, मे इन इट्स डिस्क्रिशन कोर्ट, अनलेस द डिले वाज कॉज्ड बाय द एप्लीकेंट्स लैशेस, नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस, कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट हिम अ सर्टिफिकेट ऑथराइजिंग हिम टू रिसीव बैक, यानी रिफंड रिसीव बैक फ्रॉम द कलेक्टर सो मच द फीस पेड ऑन द एप्लीकेशन एज एक्सीड्स द फीस विच वुड हैव बीन पेएबल हैड इट बीन वुड हैव बीन पेएबल प्रेजेंटेड बिफोर सच डे। 90 डेज के अंदर अंदर या 90 डेज के बाद वो जजमेंट के लिए आप रिव्यू के लिए एप्लीकेशन देते हैं, कोर्ट फीस फिक्स करते हैं,
उस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए जो कोर्ट फीस ने शेड्यूल वन में पैराग्राफ 4 और 5 में मेंशन किया है कि इतनी इतनी 1.5 एंड इतनी फीस उस पर स्टैम्प्स की शक्ल में अफिक्स करेंगे, तो उसके रिफ़ंड के लिए हमें दफ़ा 14 मीन सेक्शन 14 कोर्ट फीस एक्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सेक्शन 14 ने हमारी रहनुमाई की है। एक्सप्लेनेशन वजाहत के लिए हम कंसल्ट करते हैं शेड्यूल 1 पैरा नंबर 4 एंड 5। 4 में 1.5 ऑफ द फीस लायबल ऑन द प्लेंट आर मेमोरेंडम ऑफ अपील कापी आर ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट आर ऑर्डर नॉट बीइंग आर हैविंग द फोर्स ऑफ डिग्री इफ पास बाय द सिविल जज या सिविल कोर्ट्स जुडिशियल ऑफिसर्स द स्टैम्प कोर्ट फीस 1 रुपीज इफ द जजमेंट पास बाय द हाई कोर्ट देन 2 रुपीज देयर शुड बी पेएबल टू कंप्लीट द जुडिशियल सिस्टम प्रोसेस दीज आर रेवेन्यू स्टैम्प्स कोर्ट फीस स्टैम्प्स। तो आप अगर अपनी दरख्वास्त देते हैं फैसले की नज़रसानी के लिए उस पर जो स्टैम्प्स लगाई गई थी पहले उनकी काबिले वापसी के लिए रिफ़ंड ऑफ फीस के लिए आप कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। कोर्ट उसको देखेगी कि आया इसका बनती है रिफ़ंड कि नहीं बनता, क्योंकि ये अदालत उस फाजल अदालत की स्वाब दीदी इख्तियारात में है जो कानून ने उसे परमिट अलाउ किए इजाज़त दी है। तो फाजल अदालत उस दरख्वास्त को वो एप्लीकेंट की दरख्वास्त को व्यू करेंगे देखेंगे, अगर वो रिफंडेबल बनती है तो सर्टिफिकेट इशू करेंगे। उसमें उस एप्लीकेंट को ऑथराइज किया गया जाएगा कि यू कैन कलेक्ट फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स रेवेन्यू बोर्ड डिपार्टमेंट, आप वहाँ से ये जाके रिसीव बैक वापस ले लें। ये कोर्ट की स्वाबदीदी इख्तियारात में शामिल है। तो आपसे गुजारिश है मेरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। कोर्ट फीसेस टाइम टू टाइम जब भी कोई कानून में तरमीम होती है अमेंडमेंट होती है तो वो शेड्यूल्स भी स्केड्यूल्स भी चेंज हो जाते हैं और फीसेस जो होती हैं वो भी कम या ज़्यादा गवर्नमेंट की आइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कमोबेश होती रहती हैं। तो अब देखना ये होता है कि अब वो कोर्ट फीस उस शेड्यूल के मुताबिक कितनी बनती है, वो जब हम केस दायर करते हैं तो उस पर वो स्टैम्प्स की शक्ल में अफिक्स की जाती हैं, चस्पा की जाती हैं। जो हम पेमेंट करेंगे कैश नहीं होगा, वो थ्रू इन शेप ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प्स होंगी। कोर्ट फीस एक्ट के तहत कोर्ट फीस स्टैम्प्स होती हैं वो। अब फैसला हो गया है, उसकी नज़रसानी के लिए आपको या कोई आप समझते हैं आपका लॉयर आपका कंसल्टेंट जो है वो देखता है कि ये जजमेंट जो है इसमें फलां फलां पॉइंट्स ओवरसाइट हो गए हैं या मिस जज हुए हैं या उस पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है क्लाइंट को मौकल को मुदई को एप्लीकेंट को, तो वो जिस
अदालत ने अगर सिविल कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स ने वो फैसला दिया, जजमेंट दिए, तो वो हाई कोर्ट में नज़रसानी के लिए या उससे सीनियर अदालत में, सुपीरियर अदालत में वो एप्लीकेशन दी जाएगी कि इस फैसले की नज़रसानी की जाए, और उसके बाद रिफ़ंड एप्लीकेशन भी दी जाएगी फ़ीस की। तो अदालत का अपने स्वाबदीदी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, नेम ऑफ कलेक्टर फॉर द पेमेंट रीपे दो क्लाइंट वकल दैट्स नेम मेंशन इन द सर्टिफिकेट हु कैन गेट फ्रॉम द कलेक्टर। तो ये एक तालीमी आगाही प्रोग्राम है, इसको आप वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ़ायदा है आपका इसमें। मैं तो समझता हूँ कि हमारे तालीमी सिलेबस में भी कम से कम मैट्रिक से मास्टर तक, एमए तक एक चैप्टर थोड़ा सा कानून के हवाले से सतही तआरफी तौर पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जिसमें हर स्टूडेंट को पता हो कि उसने अपनी ज़िंदगी का कारोबार चलाने के लिए, ज़िंदगी में रहने सहने के लिए, माशरे में रहने सहने के लिए किस तरह कानून को फॉलो करना है, कानून के दायरे कार में रहते हुए किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ये बहुत चीज़ें अहम और ज़रूरी होती हैं, कुछ बजाय इसके कि बंदा सारी उम्र पढ़ता रहे कोई और आलूम जो नेसेसरी है, ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कोई भी आप इलम हासिल करें, इलम हासिल करना, अच्छा इलम हासिल करना जो आपके फ़ायदे में जाए, जो आपके माशरे के, मुल्क के, आपके ख़िलाफ़ उसका नुकसान ना आए, वो इलम हासिल नहीं करना चाहिए। वो इलम हासिल करें जिसका आपको फ़ायदा हो, परेशानियाँ ना हों। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।